जमाना भले ही बहुत आगे बढ़ गया हो, लेकिन लोग आज भी कंडोम या गर्भ निरोधक गोली के बारे में बात करने से पहले हिचकिचाते हैं। आज भी इन्हें खरीदने से लोग पहले एक बार सोच लेते हैं, लेकिन जिस चीज़ को लेकर आज भी लोग संकोच करते हैं उसी कंडोम का इतिहास सदियों पुराना है। पहले के ज़माने में भी यौन संक्रमित बीमारियों से सुरक्षा की दृष्टि से इसका इस्तेमाल किया जाता था। हम आपको बता दें कि कंडोम का इतिहास भारत में भी बहुत पुराना है। कंडोम भारत में 1940 के दशक से उपलब्ध है। साल 1964 की जनगणना के अनुसार साल 1968 तक भारत में 47 मिलियन लोगों की जनसंख्या के लिए बाज़ार में केवल 10 लाख कंडोम उपलब्ध थे। उस समय भारत में कंडोम की लागत लगभग संयुक्त राज्य अमेरिका की तरह ही थी। ऐसे में जिन लोगों की आय कम थी उनके लिए इसे खरीद पाना संभव नहीं था। ऐसे में निम्न आय वर्ग में जनसंख्या वृद्धि दर भी सबसे ज़्यादा थी। इस समस्या से निजात पाने के लिए भारतीय प्रबंधन संस्थान की एक टीम ने सरकार को इस बात का सुझाव दिया कि वे भारतीय जनता को सस्ती कीमतों पर कंडोम उपलब्ध कराए। सरकार से इस बात की सिफारिश की गई कि भारत को कंडोम का आयात करना चाहिए और उन्हें 0.05 की दर से बाज़ार में आम लोगों के लिए उपलब्ध करानी चाहिए। इसी वजह से साल 1968 में अमेरिका, जापान और कोरिया से लगभग 400 मिलियन कंडोम आयात किए गए। सभी कंडोम में समान पैकेजिंग थी जिसमें 3 कंडोम प्रति पैकेट थे। 19वीं शताब्दी के मध्य में रबड़ से बनाई गई कंडोम लोगों के बीच लोकप्रिय हो गई। बाद में यानी कि 20वीं शताब्दी की शुरुआत में इनमें और भी प्रगति हुई। ऐसा कहा जाता है कि गर्भ निरोधक गोली की शुरुआत से पहले पश्चिमी दुनिया में जन्म नियंत्रक के लिए कंडोम का ही सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता था। कई साल पहले खुदाई में पुरातत्व को सबसे पुराना कंडोम डडली कैसल के मैदानों में स्थित एक सेस्पिट से मिला। 1642 के आरंभ में कंडोम के निर्माण के लिए जानवरों की झिल्ली का उपयोग किया जाता था। हालांकि हम आपको कुछ और भी बता देते हैं कि आप सब जानते ही होंगे कि कोरोना महामारी से बचाव के लिए लागू लॉकडाउन दौरान कंडोम की डिमांड इतनी बढ़ गई थी कि पूरी दुनिया में इसकी कमी हो गई थी। दरअसल कंडोम बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी कैरेक्स BHT हाल ही में बंद हो गई है। ये कंपनी ड्यूरेक्स ब्रांड से कंडोम बनाती थी। इस कंपनी के बाद बंद होने से मार्केट में कंडोम कम हो गए। इस समय बाज़ार में सस्ते दामों पर कंडोम मिलते हैं। चलिए आपको दुनिया के सबसे महंगे कंडोम के बारे में अब हम आपको बताते हैं। इस कंडोम की कीमत में आप एक स्मार्टफोन खरीद सकते हैं। जिस कंडोम की बात हम कर रहे हैं वो दुनिया का सबसे महंगा और पुराना कंडोम है। ये कंडोम आज से लगभग 200 साल पुराना है और ये कंडोम स्पेन के एक शहर में बंद बक्से में मिला था। रिसर्च में इसके 200 साल पुराने होने की बात सामने आई। इसके बाद इस कंडोम की नीलामी की गई थी। इस कंडोम को एम्स्टर्डम नाम के शख्स ने लगभग 42,500 रुपये में खरीदा था। इसके बाद से ही इसे दुनिया के सबसे महंगे कंडोम का दर्जा मिला। इस कंडोम को भेड़ की आंतों से बनाया जाता था। इस कंडोम को बनाने में काफ़ी समय लगता था। इस कंडोम की लंबाई 19 सेंटीमीटर 19th सेंचुरी से मार्केट में रबड़ की कंडोम बनाने शुरू हो गए थे। उसके बाद भेड़ की आंत से बनने वाले कंडोम बंद हो गए और कई जानवरों के आंत से ये बनाए जाते थे। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और साथ में आप हमें ये कमेंट करके ज़रूर बताइए क्या आपको आज के ज़माने वाली कंडोम पसंद है या पुरानी। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ऐसी नई वीडियो पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग में वीडियो।